ही अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस हुआ हम दोनों का। अरे केस में 60 यूरो हम पहले ही दे रहे थे, नाउ एडिशनल 30-35 यूरोस और ऐड हो गया है। सो बट वो 30-35 यूरोस के चक्कर में आई वुड हैव लॉस्ट 3000 यूरोस वर्थ ऑफ स्टफ। पासपोर्ट तो उसका आप वैल्यू नहीं कर सकते। दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ आर्किटेक्चर ये मैंने इतनी स्पाई मूवीज के अंदर देखा है। समथिंग इज रिलेटेड विद इल्यूमिनाटी सीरीज और समथिंग इज रिलेटेड विद द फ्री मेसन्स। जस्ट हैड आवर मॉर्निंग कॉफी एट अ वेरी नाइस कैफे जस्ट ओवर लुकिंग लूप म्यूजियम। बट द बेस्ट पार्ट मालूम है क्या है? द बेस्ट पार्ट इज वो है फिफ्थ फ्लोर पे। इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? वहाँ पे लिफ्ट नहीं है। My wife is on vacation and I am her employee, वो आज प्रूव हो जाएगा। उसने क्या बोला, अनुज दो बड़े सूटकेस तो अपने सर पे रख लेना और दो छोटे सूटकेस के हैंडल्स को निकाल के कंधे पे डाल लेना। तो अब एक बड़ा ही अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस हुआ हम दोनों का। आदि इस कहानी मैं बताता हूँ, आदि देवर्षी बताएगी। हमारे पास 5 लगेज हैं जिसमें से 2 बड़े बैग हैं, 3 छोटी ट्रॉलीज हैं। Then we have a tripod in hand, we have a camera bag and we have a Velo camera. So basically 5 तो बड़े items हैं, trolley bags हैं और 3 small items हैं। Plus देवश्री के आज हाथ में उनके luxury bags और हैं, तो total of 9 items आते हैं। Today like we are changing our hotel, तो हम एक Airbnb में जा रहे हैं, तो first of all हमारे पास time का बहुत crunch था, हमने extra 1 hour लिया। तो वो हो जाता है जब आप, क्योंकि मेरा काम रहता है कि लॉजिस्टिक्स मतलब सामान हाँ। को रखना मेरी भी गलती है, इसकी भी गलती है, हम दोनों के दिमाग से निकल गया। और हमको अभी लर्निंग मिला है कि सब कुछ चेक करो भाई। हाँ। चेक तो हम करते हैं, वी आर ऑलवेज अलर्ट एंड वी आर ऑलवेज लाइक, बट इस बार लॉगिंग कैमरा छूट गया था, वही याद था। मेन कैमरा बैग में छूट गया था, वो तो याद ही नहीं था। हमने लोकेशन चेंज करा, हमने फटाफट वहाँ पे होटल में कम्युनिकेट किया, वो लोगों ने दे सेड दे फाउंड द कैमरा। अभी तक हमें ये पता था कि लॉग कैमरा के बारे में बात हो रहा है। वी डिडंट इवन नो कि हमारा मेन कैमरा बैग भी नहीं है हमारे पास, और उसके अंदर हमारे पासपोर्ट्स है। इट्स लाइक द वेरी इंपॉर्टेंट बैग, क्योंकि मैं कुछ नहीं रखती हूँ, मैं सिर्फ फैशन के लिए बैग कैरी करती हूँ, थोड़ा बहुत कुछ पैसा कभी रख लिया, कार्ड रख लिया। आज तो वो भी नहीं था मैडम के पास। आज तो सब कुछ ही उसके पास है। But anyways, the good part is then when we rerouted और उसके लिए हमें 30 यूरो और खर्च करना पड़ा। बेसिकली ये एंटायर ट्रिप, एंटायर टैक्सी ओवर 100 यूरो का पड़ रहा है अभी हमारे। Close to? That's awesome. But ठीक है, होता है ऊपर नीचे। होटल में जाने के बाद पता चला कि कैमरा बैग भी नहीं है, एंड देन वी गॉट इट। टाइम पे पता चल गया, नहीं तो वापस से हमको आना पड़ता। सो पॉइंट की बात है, आप एक्सपीरियंस हो नहीं हो, silly mistakes always comes. Better would be like how soon you can correct it. So damage थोड़ा कम हो, हमारे केस में 60 यूरोस हम पहले ही दे रहे थे, नाउ एडिशनल 30-35 यूरोस और ऐड हो गया है। सो बट वो 30-35 यूरोस के चक्कर में आई वुड हैव लॉस्ट 3000 यूरोस वर्थ ऑफ स्टफ। पासपोर्ट तो इन इतने उसका आप वैल्यू नहीं कर सकते इन योर इंटरनेशनल ट्रिप। बट लेसन लर्नड, सब कुछ मिल गया वापस। होता है यार, सबके साथ ही कुछ ना कुछ तो पंगा होता है, तो इट्स ओके। आई मीन हमारे साथ तो एक ना एक इंसिडेंट ऐसा होता है, मॉल में ड्रोन अटक गया था, इधर अभी ये हो गया, पर चलो मिल जाता है, बट भी सॉर्ट आउट भी हो जाता है, वी कैन प्रोटेक्ट। वी आर
आउट ऑफ द फर्स्ट होटल हम लोग दूसरे होटल की तरफ जा रहे हैं जो कि थोड़ा सा अलग लोकेशन है, वो भी सेंटर में है बट पेरिस इज वेरी बिग, उसका अलग अलग एंड उसका बेस्ट पार्ट मालूम है क्या है? द बेस्ट पार्ट इज वो है फिफ्थ फ्लोर पे, इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है वहाँ पे लिफ्ट नहीं है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है उसने फटाफट मुझे एक इंस्टाग्राम से एक वीडियो शेयर किया, वो था ट्रेन स्टेशन पे कूली सामान के उतार रहे, उसने क्या बोला अनुज दो बड़े सूटकेस तो अपने सर पे रख लेना और दो छोटे सूटकेस के हैंडल्स को निकाल के कंधे पे डाल लेना। फिर मैंने बोला लड्डू पांचवा कैसे, तू लेके आएगी? बोलती नहीं मूवी तो है, मुंह खोलना उसमें लटका दूंगी एक और, तो पांचवा वहां पे होगा। मैंने लड्डू तू क्या करेगी? बोलती मेरे प्राडा और डियोर के बैग जो है वो कौन कैरी करेगा, तो That would be worth the sight. थोड़ी देर बाद पता चलेगा देवर्षि जब मुझसे सामान उठा रही होगी। वो इंस्टाग्राम पे रील देखा ना, my wife is on vacation and I am her employee, वो आज प्रूव हो जाएगा। Actually हम जो अभी रहने जा रहे हैं, it's an Airbnb, a proper घर है, जो proper Parisian apartments होते हैं, जो Emily in Paris में दिखा था, ऐसे-ऐसे वैसा stairs है, और यहाँ पे most of the traditional apartments में lift नहीं होता है, जो like आर्किटेक्चर पुराने जमाने के होते हैं, तो वैसे ही हम किसी अपार्टमेंट में रहने जा रहे हैं। यहाँ पे सिस्टम भी वैसे ब्लॉग दैट कि हम कैसे एंट्री कर रहे हैं, इट्स ऑल लाइक ऑन बटन्स, यू हैव टू एंटर जैसे हम मूवीज में देखते हैं। या ओके दिस फिफ्थ फ्लोर, यू सेड फिफ्थ फ्लोर, यस Without escalators? Yeah. And 1, 2, 3, 4, 5. I have a bag. Why is there something here? Why is there something here? Will you get water? No. रखता हूँ ठीक है रख दो। पांच फ्लोर में ऊपर चढ़ के आया, बहुत क्यूट है लेकिन आप स्टेयर्स का साइज देखिए इतना छोटा है। आई हैव टू कैरी सिक्स लगेजेस विद मी बिकॉज आई एम मैरिड टू अ प्रिंसेस, और उसके बाद दिस इज अ फाइव स्टोरी बिल्डिंग, उसके बाद मैं यहाँ गया और ये छत के इधर एक लॉक है जिसमें चाबी थी, वहां से चाबी ली मैंने, केम डाउन अगेन एंड दिस इज द रूम, लेट्स गेट इन। और कमरे में आते ही हमारी प्रिंसेस जो थी ऑलरेडी तैयार थी, ये सामान मैं लेके आया, look at her and look at this hawali mazdoor ki condition, god, but this is the entire space aur maine devashri ko jo main pehle do luggage upar leke aaya tabhi maine usko bola devashri proper parisian feel aa rahi hai, aur ye ek upar chhota sa corner diya hua hai inhone coffee table ke sath, I'm sure this is for the third person but we are not gonna use it, aur ye bed सारा किचन और कैबिनेट्स यहाँ पे हैं, द लेडी ऑफ द हाउस केप्ट हर सम चिप्स, आई एम श्योर क्रॉकरीज आर देयर इनसाइड इट, सम रिफ्रेशमेंट्स आर आल्सो देयर बट नॉट नीडेड, एंड वॉशिंग मशीन है, शी सो नाइस शी केप्ट अस वाटर बॉटल टू, थोड़ा लगेज इधर रखा हुआ है एंड दैट्स द एंड ऑफ स्पेस, नथिंग मच, एक 360 डिग्री टर्न लेते ही पूरा अपार्टमेंट खत्म, बट लुक एट इट, ब्यूटिफुल राइट। सो वी चेक्ड इन टू आवर न्यू एयरबीएनबी, इसकी रील और इसकी डिटेल्स हमने स्टोरी में ऑलरेडी डाल दिए थे बट आई विल पुट दैट इन टू आवर पेरिस हाईलाइट्स, तो आप उसको देख सकते हो व्हाट वेंट बिहाइंड द सीन्स एंड हाउ वी गॉट एट दिस ब्यूटिफुल कोजी
स्टूडियो अपार्टमेंट। सो देवश्री और मैं फिलहाल बजा है 4:30 ऑफिशियली, हमारा आज 4th डे है बट लॉजिकली इट्स द 3rd डे ओनली। हम जा रहे हैं बाहर, हम अभी पेरिस के उस तरफ थे, मैं समझा नहीं सकता किस तरफ थे हम, आईफिल टावर के उस तरफ थे, अब हम आईफिल टावर के इस तरफ आए हैं। इट हैज़ मोर आर्किटेक्चर स्टफ लाइक लूव इधर है और बहुत बड़े बड़े कासल्स जैसे कुछ हैं, देर आर बिग बिल्डिंग्स ऑल्सो, आई डोंट नो एनी ऑफ द नेम्स। सो वी गोना एक्सप्लोर वन बाय वन और वी हैव अ किचन ऑल्सो सेटअप, सो देवर्शी एंड मी आर थिंकिंग टू बाय सम डू सम ग्रॉसरी शॉपिंग और आज हम खाना खुद बनाएंगे। द लेडी ऑफ द अपार्टमेंट हैज स्टॉक्ड एवरीथिंग, एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग एक्सेप्ट द इंडियन स्पाइस आर मिसिंग विच मेक्स सेंस। देवर्शी और मैं एक फनी एक्सचेंज में हमने बोला कि हल्दी भी लेके आ जाते हैं, जब ये अपार्टमेंट ऑफ वाइट से येल्लो हो जाएगा तो लेडी पूछेगी ये येल्लो कैसे हो गया अपार्टमेंट। सो जोक्स अपार्ट, मैं और देवर्शी जा रहे हैं बाहर, विल डू सम ग्रॉसरी शॉपिंग, डू सम कैफे हॉपिंग और आसपास के एरिया को और देखते हैं एंड सी हाउ मच एंड वॉट वी कैन कैप्चर एंड क्रिएट वैल्यू विद। दिस इज अ 3rd डे एंड दिस इज 4:30 PM राइट नाउ। आई थिंक अनादर, आज थोड़ा सा बाहर ड्रिजलिंग भी हो रहा है, इट्स काइंड ऑफ रेनिंग बट जस्ट नाउ इट स्टॉप, नाउ इट्स क्लाउडी, थोड़ा वेदर थोड़ा सा हल्का चलिए। सो मी एंड देवर्शी आर कैरिंग आर जैकेट एंड फर्स्ट स्टॉप आई थिंक इट शुड बी सम कैफे बट एवरीथिंग विल डू बाय वॉकिंग। आई हैव माई वाइट स्नीकर्स ऑन सो फिंगर्स क्रॉस, आई डोंट नो बट लेट्स सी।